सब लोग म्यूट कर लें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 8 से लेके 12 तक, थोड़ा लंबा प्रकरण है, ध्यान देंगे। श्लोक पढ़ूंगा 8 से लेके 12 तक सारे के सारे एक साथ। अमानित्व अधमित्व अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्यम उपासनम शौचम स्थैर्यम विनिग्रह अत्यर्थेषु इंद्रियर्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुर्दोषानुदर्शनम असक्ति अभिक्षणंग पुत्रदार ग्रह आदिषु नित्यम च समचितत्वम इष्ट अनिष्ट उपत्तिषु मयि च अन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विभक्त देश सेविस्तुम अर्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। इन शब्दों का अर्थ पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। अमानित्वम विनम्रता, अंधपित्वम दम्भ विहीनता, अहिंसा अहिंसा शांति सहनशीलता सहिष्णुता, आर्जवम सरलता, आचार्य उपासनम प्रमाणिक गुरु के पास जाना, शौचम पवित्रता, स्थैर्यम दृढ़ता, आत्मविनिग्रह आत्मसंयम, इंद्रिय अर्थेषु इंद्रियों के मामले में, वैराग्यम वैराग्य, अन अहंकार मिथ्याभिमान से रहित, एव निश्चय ही, च भी जन्म जन्म, मृत्यु मृत्यु, जरा बुढ़ापा, व्याधि तथा रोग का, दुख दुख का, दोष बुराई, अनुदर्शनम देखते हुए, असक्ति बिना आसक्ति के, अनभिष्वंग बिना संगति के, पुत्र पुत्र, दार स्त्री, ग्रह आदिषु घर आदि में, नित्यम निरंतर, च भी समचितत्वम संभाव, इष्ट इच्छित, अलिष्ट अवांछित, उपपतिषु प्राप्त करके, मई मुझ में, च भी अनन्य योगेन अनन्य भक्ति से, भक्ति भक्ति अव्याभिचारिणी बिना व्यवधान के, विविक्त एकांत देश स्थानों की, सिवित्वम आकांक्षा करते हुए, अर्ति है अनासक्त भाव से, जन संसदी सामान्य लोगों को, अध्यात्म आत्मा संबंधी ज्ञान ज्ञान में, तत्त्वम शाश्वता तत्व ज्ञान सत्य के ज्ञान के, अर्थ हेतु दर्शनम दर्शन शास्त्र एतत् यह सारा, ज्ञानम ज्ञान इति इस प्रकार, प्रोक्तम घोषित, अज्ञानम अज्ञान यतः जो अतः इससे, अन्यथा अन्य इतर। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री बहुपाद द्वारा। विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रमाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से बिलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। 20 तत्वों की चर्चा हुई है इसके अंदर, 20 टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। हेलो महादेव, गुड इवनिंग भाई। हम लोग जो है तो कल पहला पेज जो हम करेंगे ना, ये बच्चा है जिसकी ओटीडो प्रैक्टिस करनी है 11 साल का। तात्पर्य पढ़ते हैं शिल्प उपा द्वारा, मुख्य मुख्य बातें इसमें पढ़ूंगा और थोड़ा कोशिश करूंगा कि उनको हम लोग समझने का प्रयास करें। पहली बात कही है कि जो पिछले श्लोकों में चर्चा हुई थी भौतिक प्रकृति के बारे में, विट इज एन इंटरैक्शन ऑफ 24 एलिमेंट्स, इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश
पांच ये हैं, ये स्थूल तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म तत्व हैं, पांच ज्ञान की इंद्रियां कान है, आँख है, नाक है, जीवा में रस लेने की शक्ति है और त्वचा, ये पांच जो है ज्ञान की इंद्रियां हैं। पांच कर्म की इंद्रियां हाथ पैर, जीवा में बोलने की शक्ति, उपस्थ और विदा, और उसके ऊपर है प्रधान अर्थात प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ जो है भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स का इंटरेक्शन हुआ है जिसकी वजह से जो है भौतिक सृष्टि की रचना हुई है, ये नॉलेज इसका पार्ट नहीं है। बट नॉलेज टेक्स यू आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये आपको इस ज्ञान जो है आपको इन 24 एलिमेंट्स से बाहर लेके जाता है। अब फिर बताते हैं कि नॉलेज के दो एस्पेक्ट हैं, एक है कॉन्स्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू कृष्णा, मतलब शाश्वत है और भगवान की सेवा के प्रति कोई विचलित होने की बात नहीं है, दिव्य प्रेम है, अनअलॉयड है, कोई मिलावट नहीं है, कोई उसमें भ्रम नहीं है। और दूसरा बताते हैं कि इस सारे कार्य को करने के लिए आपको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना है अर्थात प्रमाणिक गुरु के पास जाना है। देन एक बात जो इसमें मुख्य बताई गई है कि नॉलेज बिगिंस विद ह्यूमिलिटी, विनम्रता से। अगर हम भौतिक संसार में भी, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान है, उसमें भी हमें गुरु के प्रति विनम्र होना पड़ता है। यू कॉन्ट फोर्स अपॉन हिम, यू कॉन्ट पुट ए सोर्ड ऑन हिज नेक, गर्दन पे चाकू रख के, पिस्टल रख के आप ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, आप विनम्र होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यही बात जो है भगवान यहाँ बता रहे हैं कि नॉलेज बिगिंस विद ह्यूमिलिटी। अब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपटेनिंग नॉलेज, ये बात यहाँ चर्चा आ रही है कि प्रोसेस क्या है, हमें उसके बारे में समझना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं कि देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण के रूप शरीर में बंद रहता है। शरीर की रचना मैंने 24 तत्वों से आपके बताई। अब यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है उससे यह उससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में 11वें श्लोक से प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मही च अन्न योगेन भक्ति अभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान के अनन्य भक्ति में होता है। अनन्य अन्य मीन्स किसी और की नहीं, भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो बिगनिंग कहाँ से होती है, बिगनिंग होती है भगवान की प्रेममयी सेवा से। अब यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। मुख्य कार्य है अनन्य योगेन, मतलब अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगना। हम कई बार सोचते हैं कि यही कार्य करें और कोई कार्य नहीं है, उसका एक प्रोसेस है, बड़ा सिंपल है। वो सिंपल प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझेंगे, सिर्फ साइकोलॉजिकली माइंड में कुछ चेंजेस लाने हैं, जब चेंजेस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सही रास्ते पर चल पड़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यस्या यास्ति भक्ति भगवत्या कंचना सर्वगुणस्य समासते सुरा, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। तो इसके बारे में जो है हमें कथा मिलती है उपनिषद के अंदर कि एक गुरु ने अपने शिष्य को दूसरे गुरु के पास भेजा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गुरुकुल में भेजा जाता था। मैं कहा कि ठीक है, मेरा घर अकेला है, मैं यहाँ पर ज्ञान दे सकता हूँ, बट आई वॉन्ट दिस चाइल्ड टू बी इन ए स्कूल, इन ए गुरुकुल। गुरुकुल में भेजा, गुरुकुल में जाने के बाद उस बालक ने जब गुरु से प्रार्थना करी कि मुझे आप ज्ञान दीजिए, तो गुरु ने कहा कि देखो ज्ञान दूंगा मैं, पर पहले तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी।
मैं कहा आप सेवा बताइए, मैं सेवा करूँगा। तो सेवा ये है कि मेरे पास ये 400 गाय हैं, ये 400 गाय इसके अंदर सांड भी हैं, इनको ले जाओ जंगल में, जब ये 1000 पूरी हो जाए तब चले आना, तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो शिष्य ने वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड द थिंग्स, और वो एक्सेप्ट करने के बाद जो है वहाँ से चला गया। वन में जाके उसने जो है सेवा करी गायों की, और जब 1000 गाय हो गई तो बड़ा खुशी खुशी वो गुरुजी के पास वापस आने के लिए तैयार है, और अब जाना चाहता है अपने गुरु के पास, क्योंकि अब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, एंड इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। जब वो वहाँ रास्ते में होता है, एक जगह पे सोता है, सवेरे जब जागता है तो देखता है कि उसके अंदर पूर्ण ज्ञान जो है ऑटोमेटिकली आ गया है। वो हैरान हो जाता है कि ज्ञान मेरे पास कैसे आ गया, मैंने तो ज्ञान लिया नहीं, मैं तो गुरु के पास गया नहीं। तो भगवान जो है भगवद गीता में कहते हैं कि तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्यामी आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान जो है वो ज्ञान को आपके अंदर रख देते हैं, ये इट दिस बिकम्स ऑटोमेटिक। कि जैसे ही आप भक्ति के अंदर लगते हो, भगवान की सेवा पूजा अर्चना में लगते हो, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है। तो ये बात जो है ये हमें भगवद गीता के संदर्भ में मिलती है। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाता है वो व्यर्थ होता है। मीन्स यू हैव टू लर्न, लर्निंग करें। अब कई व्यक्ति सोचता है कि भक्ति करनी है, उसका प्रोसेस है भक्ति करने का, उसमें ज्ञान की क्या आवश्यकता है, वाई शुड वन लर्न। ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि ज्ञान प्राप्त करने से आपके डाउट्स रिमूव होते हैं, आपकी भ्रांतियाँ दूर होती हैं, आपके भ्रम दूर होते हैं, और हृदय का शुद्धिकरण होता है। देन यू आर एबल टू डिसाइड, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसे विवेक में बुद्धि कहते हैं, ये व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या सार है क्या निसार है, क्या करनी है क्या अकरनी है। मीन्स योर इंटेलिजेंस बिकम सात्विक इन द मोड ऑफ गुडनेस, तब आप डिसीजन कर पाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वॉट इज द राइट मोड ऑफ एक्शन। तो ये ज्ञान का फायदा है। अल्टीमेट भक्ति है, भगवान की भक्ति है, ज्ञान एक साधन है, साधन के रास्ते आप भक्ति तक पहुँचते हैं। जब हम साधन की बात करते हैं तो साधन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वाई साधन इज नेसेसरी। हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, अस्पताल में अंदर ओपीडी रूम में चले गए, वार्ड में चले गए, हॉस्पिटल में ओटी में चले गए, जहाँ भी हमें जाना है वहाँ चले गए। हम लोग कॉलेज जाते हैं, गाड़ी बाहर पार्क करते हैं, उसके बाद अंदर चले जाते हैं। तो गाड़ी हमारे वहाँ पहुँचने का साधन है, असली कार्य हमारा अंदर जाके होने वाला है। इसी तरह जब हम भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं तो हमारा साधन क्या है, साधन है ज्ञान। ज्ञान से हमारा साधन, जिससे हमें ज्ञान मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, जब हम वो कर लेते हैं तो हम राइट डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो है जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अमानित्व, इसका मतलब है विनम्रता, कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने का इच्छुक नहीं रहना चाहिए। ही शुड ऑनर दी अदर्स, रिस्पेक्ट दी अदर्स, नॉट वॉन्ट देयर ओन ऑनर, अपना रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। अमान्य ना मान देना, कीर्तन ये सदा है कि हमें अपने मान की चिंता नहीं करनी है, दूसरे के मान की चिंता करनी चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। अब हम जो है थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग हमने बताया, 20 गुण बताए इसके अंदर, इसमें जो 17 गुण हैं वो ज्ञानी और भक्त दोनों के लिए हैं। दो गुण हैं, एक है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अर्थात आत्मा का शाश्वत ज्ञान, और दूसरा है तत्व ज्ञान और दर्शनम, अर्थात सत्य ज्ञान हेतु दर्शन शास्त्र का ज्ञान। नो द ट्रुथ,
ये ज्ञानी के लिए है, ये उसके लिए है जो जिज्ञासु है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए। और ये 20वां गुण है, मई च अनन्य योगे न भक्ति अव्यभ्याचारिणी, कि मेरे लिए अनन्य भक्ति बिना व्यवधान के ये भक्त के लिए है, कि आपको भगवान की भक्ति करनी है उसमें कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ओनली फॉर कृष्णा एंड नो वन एल्स। बाकियों को आदर मान सम्मान देना है बिकॉज दे आर ऑल्सो सुपीरियर, बट भगवान कहते हैं कि भक्ति केवल मेरे प्रति करनी चाहिए। इसलिए शब्द इस्तेमाल किया है मई चे अनन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी। तो अव्यभिचारिणी का अर्थ क्या है, व्याभिचार क्या होता है? व्याभिचार का अर्थ होता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि हमने एक नॉर्मल जो सिद्धांत हैं लाइफ के उनका उल्लंघन किया है। जैसे एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो कहा जाता है व्याभिचारिणी है, और अगर एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है उसे व्याभिचारी कहा जाता है। मीन्स अपने को छोड़ के पराये के साथ संबंध को स्थापित करना शास्त्र के अंदर व्याभिचार कहलाता है। अब यहाँ पर अपना कौन है, हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान हमारे अपने हैं, हम भगवान के हैं। अगर हम भगवान को छोड़कर किसी और से संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशनशिप की डेप्थ है, आदर मान सम्मान देना भी रिलेशनशिप है, रिस्पेक्ट करना भी रिलेशनशिप है, उनको स्मरण करना भी रिलेशनशिप है, बट हमारी डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप केवल कृष्ण के साथ होनी चाहिए, यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो भक्ति अव्यभिचारिणी मतलब भक्ति करनी है तो केवल कृष्ण के प्रति करनी है, बाकियों को रेस्पेक्ट आदर मान सम्मान सब देना है। अब यहाँ पर आई चर्चा अमानित्व। अमानित्व का मतलब है अपने मान की कोई अभिलाषा नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं, मैं बहुत बड़ा हूँ, इसका मान नहीं करना है। ह्यूमिलिटी मतलब आपके अंदर जो है विनम्रता होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, वो आपके अंदर आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आज के बाद आता है दूसरा शब्द अंदवित्वम, दम्भ। दम्भ मतलब क्या होता है, दम्भ का संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है कि जो आप नहीं हैं वो आप दिखा रहे हैं। मीन्स जो आप नहीं हैं उसको आप दिखा रहे हैं। मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ पर अपने आप को विद्वान शो कर रहा हूँ, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ अपने आप को अमीर शो कर रहा हूँ, ये दम्भ है। मतलब आपके अंदर अदम्भित्व का हो गया कि इसका अभाव, इट इज़ नॉट देयर, मतलब दिखावटीपन का अभाव है आपके अंदर, वो चीज़ नहीं है, आप जो हैं वही बता रहे हैं, जो हैं वही दिखा रहे हैं, आप उसके पार नहीं जाते। गुण ना होने पर गुण दिखाना, गुण कम है पर ज़्यादा प्रकट करना, लोग हंसेंगे तो सदाचार पवित्रता छोड़ देना, कि लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो भगवान का भक्त हो गया, अरे ये तो भक्ति करता है, अरे ये तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अपनी पवित्रता, अपना जो रूल है, अपना जो सिस्टम है, अपना जो सदाचार है, उसको छोड़ देना कि लोगों को दिखाने के लिए, लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर चलने के लिए। हम लोग जो कृष्णा कॉन्शियस हैं अनियन गार्लिक वगैरह नहीं लेते, पर अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं हम सोचते हैं कि यहाँ तो हम किसी को कोई हमें देख नहीं रहा है तो जो चुपके से खा लेते हैं तो वो गलत है। हमको वो नहीं, जो नहीं हूँ वो नहीं हूँ, जो हूँ वो हूँ। अब मेरे को जो है अपने आप को जो नहीं हूँ वो मेरे को नहीं दिखाना है, जो मैं हूँ वही मेरे को दिखाना है। अब उसके बाद शब्द आती है आचार्योपासनम, आचार की उपासना करनी। मीन्स आचार्य को, महाभागवत को, गुरु को प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना, उनके शरीर एवं मन को सुख पहुंचाना और उनके आदेश का पालन करना, एस इट इज़ जैसे वो कहते हैं उसका पालन करना। और हमने वो पालन किया है भौतिक संसार के अंदर,
कि जैसा उन्होंने पढ़ाया वैसा हमने पढ़ा, जैसा उन्होंने बताया वैसा हमने उसका पालन किया, हम डॉक्टर बन गए। नहीं पालन करते तो डॉक्टर ना बनते, अपनी मर्जी पर चलते तो पढ़ते ही नहीं, पढ़ने में मन किसका लगता है, किसी का नहीं लगता, छोड़ देता है व्यक्ति। इसके बाद शब्द आया है शौचम। शौचम का अर्थ है बाहरी और भीतर की शुद्धि। बाहरी शौच क्या है, आपने अपने आप को स्वच्छ रखना है। सवेरे उठते हैं, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो शौच है, सफाई करना, नहाना धोना, ब्रश करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये शौचम में कहलाती है। ये बाहर की शुद्धि है। भीतर की शुद्धि का मतलब है मन की शुद्धि करना, मतलब मन से बुरी बात का विचार नहीं करना। मन की शुद्धि करने के लिए मंत्र का उच्चारण करना, आप भगवान नाम के मंत्र का उच्चारण करते हैं जिससे आपके मन की शुद्धि होती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हृदय की शुद्धि होती है जिससे। और शांडिल्य उपनिषद में ये बात कही गई है कि बाहर और भीतर की शुद्धि में झूठ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, बुद्धि आपकी जो है वो स्थित प्रज्ञ होनी चाहिए। इसको शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पर स्थैर्यम। स्थैर्यम का मतलब है बुद्धि जो है स्थित प्रज्ञ होनी चाहिए। स्थित मीन्स इट इज़ ए फिक्स्ड इंटेलिजेंस। ये सर्वत्र अनभी स्नेह तत्त्य प्राप्त शुभ अशुभम ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, वो स्थित प्रज्ञ है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और दुख की प्राप्ति से विचलित नहीं होता, मतलब वो हर कंडीशन में एक समान रहता है। उसे पता है मेरे कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या हैं। स्थिति अनुकूल हो तब भी मैं वैसा ही हूँ, स्थिति प्रतिकूल हो मैं तब भी वैसा ही हूँ। देर इज़ नो चेंज इन माई सिस्टम्स। मेरे फॉर्मेट में, मेरे चेंज में कुछ नहीं है, स्थिरता है, विचलित नहीं होता है, अनन्य भक्ति में लगा रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भौतिक कार्य भी करता है, संसार में भी रहता है, परिवार भी चलाता है, सब कार्य करता है, सारा बैलेंस वो समझता है, ही अंडरस्टैंड्स। अब है आत्म विनिग्रह, कीपिंग माइंड अवे फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषोपजायते। जब आप इंद्र विषयों का चिंतन करते हो तो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो इच्छा होती है, इच्छा कामना हो जाती है, तो फिर आप कर्म करते हो। तो आपको ये देखना है कि मुझे आसक्ति किस में उत्पन्न करनी है, क्या भौतिक संसार के प्रति उत्पन्न करनी है या आध्यात्मिक संसार में उत्पन्न करनी है, आपकी आसक्ति किस में होनी चाहिए। डू यू वॉन्ट टू एन्जॉय दिस मटीरियल वर्ल्ड और यू वॉन्ट टू स्टे इन द मटीरियल वर्ल्ड बट नॉट एन्जॉय इट। भगवान भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आपको अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रखना है। जिस तरह कीचड़ के अंदर कमल रहता है पर कमल का फूल कीचड़ से लिप्त नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता, इनग्रॉस नहीं होता, इसी तरह आपको भौतिक संसार में रहते हुए, भौतिक संसार को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए उसमें लिप्त नहीं होना है। लिप्त आपको भगवान में होना है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा माइंड लगा के समझने वाली बात है कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड इट। अब इसमें जो है मन को वश में करना है। अब मन वश में दो तरीके से होता है, एक होती है स्फुरना, एक होता है संकल्प। स्फुरना का मतलब ये है कि जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, यू कैन वॉच इट, पर शीशे में आपकी फ़ोटो चिपकती नहीं है, आप हट जाएंगे, फोटो भी हट जाएगी, आपका जो उसमें छाया आ रही थी रूप आ रहा था वो भी छट हट जाएगा। संकल्प का मतलब है जैसे कैमरा में फिल्म होती है कि आपकी फ़ोटो छप गई है, परंतु यहाँ संकल्प क्या है कि आपका किसी वस्तु में अटैचमेंट नहीं है। आपको स्फुरना हुई और संकल्प हुआ कि मेरे को इस वस्तु के साथ अटैच नहीं होना है, राग नहीं रखना है, क्योंकि ये मेरे को भक्ति से दूर ले जाएगी। संसार में रहना है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि संसार को छोड़ना नहीं है, संसार में रहना है, परंतु अपने पोजीशन को समझना है। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का दास हूँ, यही हम आरती गाते रहे बचपन के अंदर, मैं सेवक तू स्वामी, मैं सेवक तू स्वामी, हम सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं। तुम्हारा कार्य क्या है, भगवान के आदेश का पालन करना। और भगवान 3रे अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं
जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक होकर ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम में आ जाता है। ये धाम में आने का मार्ग जो है इसको भी समझना पड़ेगा। भगवद गीता का जब हम सब समझेंगे तो समझेंगे कि भौतिक संसार क्या है, भगवत धाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मुझे संबंध कैसे निभाना है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, कर्म का बंधन क्या है, उस फल से मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, लिबरेशन क्या है, सालवेशन क्या है, ये सारी बातें जो हैं दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। आपको अपने बारे में जानने की आवश्यकता है। अब आती है कि स्फुरना आती जाती रहती है पर अभ्यास से वही स्फुरना संकल्प में बदल जाती है, तब आपके मन के ऊपर वो बात पक्की हो जाती है, तब आप जो है इंद्रियों को इंद्र विषयों से दूर कर लेते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं जैसे ध्यान योग कहते हैं छठे अध्याय के अंदर, उसमें चौथा स्टेप है प्रत्याहारा, यम नियम प्राणायाम एंड प्रत्याहारा। प्रत्याहारा का मतलब होता है इंद्रियों को इंद्र विषयों से दूर करना, कि इंद्र विषय जो चीज़ें हैं, आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, जीवा का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है, ये सब जो है आपको अट्रैक्ट ना कर पाए भौतिक संसार में फंसाने के लिए। देखा यस एसेंशियल है, एक्सेप्ट कर लिया, एसेंशियल नहीं है डिस्कार्ड कर दिया, उसके पीछे पागल नहीं हो जाना। तो जब भी जो है आप संकल्प करते हो तो आपको देखना है कि आप भौतिक आनंद का संकल्प कर रहे हो या आप आध्यात्मिक आनंद का संकल्प कर रहे हो, राग द्वेष से युक्त होकर संकल्प कर रहे हो या राग द्वेष से मुक्त होकर संकल्प कर रहे हो। दिस इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। अब इसके बाद आता है शब्द इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मतलब इंद्र विषयों का परित्याग, जो मैंने बताया कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना, वो विषय जो आपको भक्ति के मार्ग से दूर ले जाते हैं उनसे आपको हटा देना। अनहंकार, अहंकार का मतलब है अहंकार एवं अभिमान का अभाव। मैं बहुत बड़ा हूँ, अपने में अहंकार है, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मेरे पास बहुत ज़मीन है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बंगलोस है, बहुत फार्म हाउसेस हैं, तो उसका अहंकार नहीं करना है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। उसके बाद है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म और मृत्यु के जो दुख हैं, जन्म होता है कहते दुख क्यों है, मृत्यु होती है दुख क्यों है, जरा बुढ़ापा आता है दुख क्यों है, व्याधि आती है दुख क्यों है, इन जन्म के दोष से प्राप्त होने वाले दुखों को समझना। देखिए शास्त्र कहता है कि आपको मृत्यु कब आती है, जब आपका जन्म होता है, आपको बुढ़ापा कब आता है, जब आपका जन्म होता है, आपको बीमारी कब आती है, जब आपका जन्म होता है। तो मेन चीज़ों को ये जन्म होना, जन्म आपको हो रहा है अपने कर्मों के फल के स्वरूप, जो आपने कर्म किए हैं उसके फल आपको मिलेंगे, आपको उसके अनुरूप आपको जन्म प्राप्त होगा। बट भगवान क्या कहते हैं, इफ़ यू कम टू माई अबोट हा ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेत्या तो कम तय पुनर्जन्मना विद्यते। इस जगत में ब्रह्मा जी के लोक से लेके पाताल लोक तक सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने पुनर्जन्म की बात करी, पुनर्मृत्यु की बात नहीं करी, पुनर्जरा की बात नहीं करी, पुनर्बुढ़ापे की बात नहीं करी, उन्होंने व्याधि की बात नहीं करी। इसी तरह भगवान ने कहा है न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका है यद गतवा ही निवर्तनते तद धाम परम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौट कर इस संसार में नहीं आता। मीन्स उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ये बात हमने सीखी, हम किसी के भी डेथ में जाते हैं, शोक सभा में जाते हैं, तो वहाँ लोग जो है सब प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। अरे भगवान के चरणों में स्थान क्यों मांग रहे हो, उसका रीज़न यही है अगर वो भगवान के धाम चला जाएगा तो लौट कर इस संसार में नहीं आएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये हम सबकी आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है, कोशिश रहती है कि जो भी जीव इस भौतिक संसार में मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसको
भगवान का धाम मिल जाए, जिससे उसे जो है बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का चक्कर न झेलना पड़े। इसके बाद आता है शब्द अहिंसा। अहिंसा का मतलब है मन से, वाणी से, शरीर से किसी को भी दुख ना देना। आप किसी को कष्ट ना पहुंचाएं किसी भी तरीके से। वो जो है अहिंसा कहलाती है, ना मन से करनी है, ना वाणी से करनी है, ना शरीर से करनी है। परंतु कलयुग के अंदर एक भेद है। कलयुग में कहा गया है कि जो हिंसा मन से की जाती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में सोचते रहिए और हिंसा करते रहिए। बट शास्त्र क्या कहता है, अगर आप मन में किसी बात को विचार लेते हैं तो आने वाले कल में कभी ना कभी वो प्रस्फुटित होकर बाहर निकल आएगी, कभी कभी वो अपने एक्शंस में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मैं मन से भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करूं। अब हिंसा को तीन तरह से बांटा गया है, देयर आर थ्री कैटेगरीज। एक है कृत, एक है कारित, एक है अनुमोदित। कृत का मतलब है मैं स्वयं हिंसा कर रहा हूँ, कारित का मतलब है मैं किसी से हिंसा करवा रहा हूँ, अनुमोदित का मतलब है मैं हिंसा का समर्थन कर रहा हूँ। मैं या तो हिंसा का समर्थन कर रहा हूँ, या किसी से करवा रहा हूँ, या मैं स्वयं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा सुपारी दे दी, उसको मार दो, तो दोनों को पनिशमेंट मिलता है, जिसने सुपारी दी है उसने भी और जिसने मारा है उसने भी। एक है व्यक्ति खुद ही मारने लग जाता है, खुद ही हिंसा कर बैठता है, तो वो हो गया कृत। एक हो गया किसी से हिंसा करवाना कारित, और एक हो गया हिंसा का समर्थन करना, दैट इज अनुमोदित। अब हिंसा जो है तीन भाव से हो सकती है, तीन मूड में हो सकती है। क्या मूड है? क्रोध, लोभ और मोह। क्रोध में भी हिंसा आप खुद कर सकते हो, किसी से करवा सकते हो, समर्थन कर सकते हो। लोभ में भी आप स्वयं कर सकते हो, करवा सकते हो, समर्थन कर सकते हो, अनुमोदित भी आप कर सकते हो। तो हर कंडीशन के अंदर ये तीन भाव से होती है। उसके बाद हिंसा जो है तीन मात्रा में है, मतलब क्वांटिटी ऑफ हिंसा। एक मृदु मात्रा है, थोड़ा सा दुख दिया किसी ने, मृदु मात्रा। दूसरी है मध्य मात्रा, कि आपने किसी को थोड़े से ज़्यादा दुख दिया है। और तीसरी है अधिक मात्रा, कि आपने उसको जान से ही मार दिया, आपने मन से बहुत हिंसा कर दी, पानी से बहुत हिंसा कर दी, गाली गलौज ये वो सब कुछ, शरीर से भी हिंसा कर दी आपने, शरीर से भी करी, मन से भी करी, वाणी से भी करी। अब आपका इसके बाद आया शब्द, आया क्या है, आर्जवम। आर्जवम का मतलब होता है सरल। सरल मीन्स सीधापन। आप बिल्कुल साधारण सीधे, जिसे कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बहुत ही साधारण जीवन बिताते हैं। शरीर की सरलता है, मन की सरलता है, वाणी की सरलता है, तीनों सरल हैं। शरीर की सरलता का मतलब है सादा रहन सहन, ऐंट नहीं, अकड़ नहीं, शरीर में सजावट नहीं, चाल ढाल में सरलता है, विच एवरीबडी सेज बड़ा सीधा आदमी है। मन की सरलता क्या है, छल नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, निष्कपटता है, दया है, सौम्यता है, यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, आप हर मामले में अच्छे हैं। और वाणी की सरलता क्या है, किसी पे व्यंग नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, आपने जो भी बोलना है सरल होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकारक होना चाहिए, मीन्स दूसरे का फायदा ही हो, हित ही हो, उससे किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आती है शांति। शांति का अर्थ होता है क्षमा। क्षमा मीन्स कि आपने सह लिया और दूसरे को क्षमा कर दिया। अब क्षमा की भी दो वैरायटी है, एक है हल्की और दूसरी है भारी, मतलब एक है कम और एक है ज़्यादा। एक है असली क्षमा, एक है मजबूरी की क्षमा। मजबूरी की क्षमा क्या है, एक कमज़ोर आदमी है उसके प्रति एक 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 मतलब सक्षम आदमी ने अपराध कर दिया, अब कमज़ोर आदमी उससे कुछ कह नहीं सकता, सह गया और उसको क्षमा कर दिया। पर एक आदमी है जो दंड दे सकता है, जो सजा दे सकता है,
जो रेसिप्रोकेट कर सकता है उसके प्रति अपराध हो गया किसी कमजोर व्यक्ति के द्वारा, तो उसने जो है उसे क्षमा कर दिया। दंड देने की शक्ति होने के बावजूद वो उसे क्षमा कर रहा है, वो थोड़ा सा अच्छी क्षमा है। एक मजबूरी की क्षमा है, एक अच्छी क्षमा है। तो अपना सामर्थ्य होते हुए भी अपराध वाले को दंड नहीं देना, बदला नहीं लेना, और दूसरे से भी या भगवान से भी दंड देने की प्रार्थना नहीं करना, एक शांति कहलाती है। किसी ने हमें दुख दिया है, दुख तो स्वरूप तक पहुंचता नहीं, शरीर को ही मिलता है, तो क्षमा का भाव आ जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि दांतों से जीभ कट जाती है, पर हम दांतों को तो दंड नहीं देते, कट गया कोई बात नहीं, वो मेरी गलती रही होगी, मैंने गलती से खाना ठीक से नहीं खाया, मैं ठीक से नहीं बोल पाया, मेरी जीभ कट गई है, तो उसमें दंड का भाव नहीं है। इसके बाद शब्द आता है असक्ति। असक्ति का अर्थ क्या है? असक्ति का मतलब है कि संसार से प्रियता, सुख की इच्छा की कामना नहीं है। संसार में रहते हुए जो मुझे उपलब्ध हो रहा है मेरे कर्मों के फल के स्वरूप, उसको स्वीकार कर लेना और कोई सुख प्राप्ति की कामना नहीं करना। लैक ऑफ अफेक्शन फॉर सन्स एंड फैमिली। संसार में रहना है, पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, उसके साथ रहना है, ना द्वेष करना है, ना ओवर अफेक्शन दिखाना है, न्यूट्रल रहना है, नॉर्मल रहना है। अफेक्शन आपका भगवान के साथ होना चाहिए। उसके बाद शब्द है अनभिषंग पुत्र दाह गृह दिशु, कि आपका पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु के साथ जो माना हुआ घनिष्ठ संबंध है, मोह है, आसक्ति है, ममता है, जिसके कारण आपके शरीर पर असर पड़ता है, उसको आपने न्यूट्रल तरीके से एक्सेप्ट करना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, एनग्रॉस नहीं हो जाना है, उनके साथ संबंध रखना है, संबंध को निभाना है, बिल्कुल जो ज़रूरी कार्य हैं वो करने हैं, जो आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं, उनका पालन करना है, उसको छोड़ना नहीं है, परंतु उन्हीं में इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, बाकी सब चीज़ें छोड़ देनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आपको सुख उनको पहुंचाना है, वो आपको सुख पहुंचाएं, आप उनको सुख पहुंचाएं, पर आप सुख लेने का उद्देश्य एम ना रखें। मिल रहा है बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अनवांटेड आशा नहीं होनी चाहिए। एक न्यूट्रल तरीके से रहना है, न्यूट्रल तरीके से, मेरा परिवार है मुझे इसको चलाना है, मेरा परिवार है मेरे को इसमें रहना है, मेरा परिवार है मुझे संबंध निभाना है, पर भगवान के साथ संबंध को भूल के परिवार के साथ संबंध में इन्वॉल्व कर लेना अपने आप को, वो नहीं होना चाहिए। तालमेल बनाना है दोनों में, परिवार में भी और भगवान के साथ भी, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। ममय वंश है जीव लोक है जीव भूत सनातनी मन शिष्टान इंद्रियानी प्रकृष्टानी कर्षति, कि मेरा भगवान के साथ एक नेचुरल संबंध है। वो नेचुरल संबंध है क्या, कि मैं उनका अंश हूँ, मुझे उस अंश को भी निभाना है। परिवार मेरा अंश है, मुझे उस अंश को भी निभाना है, तो मुझे एक ऐसा तालमेल बनाना पड़ेगा कि दोनों के साथ, भौतिक संसार के साथ भी मटेरियल वर्ल्ड एंड आध्यात्मिक संसार के साथ भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों के साथ बैलेंस बना के रखना है। दैट इज़ द आर्ट ऑफ लर्निंग हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन टू। दोनों में संबंध कैसे निभाना है, ये मेरे को आर्ट सीखनी है, ये मेरे को आना चाहिए। उसके बाद समचित तत्व, मन आपका समान रूप से सबके प्रति रहना चाहिए। मन के अनुकूल हो परिस्थिति या प्रतिकूल हो परिस्थिति, दोनों सिचुएशंस में कोई राग नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई उद्वेग नहीं, विकार नहीं, किसी भी तरीके से विचलित नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं रहना है। विदाउट जॉय एंड विदाउट डिप्रेशन इन फेवरेबल सर्कमस्टांसेस और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, दोनों कंडीशंस में एक समान रहना, जो मैंने पहले कहा, यह सर्वत्र अनभिस्ने तत्त प्राप्त अशुभम ना विनंदति ना द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठा, स्थित प्रज्ञ रहना है, बुद्धि को स्थिर करना है, क्योंकि आपको सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होना है और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करनी है। स्थिति अनुकूल हो तो भी वैसा ही हूँ और प्रतिकूल हो तो भी वैसा ही हूँ। अनन योगेन अव्यभिचारिणी, ये मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, बिना व्यवधान के अनन्य भक्ति करनी है, स्टेडी भक्ति मेरे प्रति भक्ति होनी चाहिए, स्टेडी अनएलॉयड, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। विभक्त देश सेवितम, एकांत में रह के भगवान का चिंतन,
अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ के किसी गुफा में चले जाओ, वहाँ एकांत में रह के भगवान का चिंतन करेंगे, नहीं। आपको तत्व को समझना है। जब भजन का टाइम है तब भजन करना है, सेवा का टाइम है सेवा करना है, सुनने का टाइम है सुनना है, तब कोई दूसरी डिस्टर्बेंस ना हो, ये अंदेशा होना चाहिए, इसको सेटल कर लेना है। जैसे हम कहते हैं फ़ोन बजता है, मोबाइल फ़ोन सारा दिन बजता है और मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मैं एक घंटे के लिए मोबाइल को ऑफ़ कर दूँगा। मैं सुनना चाहता हूँ, लेक्चर सुनना चाहता हूँ, मैं एक घंटे के लिए मोबाइल को ऑफ़ कर दूँगा, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लूँगा। मैंने ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है। परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए आपको एक तरीके से एकांत समय होना चाहिए, एकांत स्थान। घर के किसी कॉर्नर में चले गए, जैसे हम लोग हैं, सारे लोग गप्पे लगा रहे हैं एक जगह बैठे हुए, ड्राइंग रूम में देखा जगह खाली है तो वहाँ चले गए, वहाँ जाके बैठ के कार्य कर लिया, आधा घंटा वहाँ बिता लिया, जो मुझे पढ़ना था, जो मुझे लिखना था, जो मुझे नोट्स तैयार करने थे, वो मैंने सबसे अलग हो के कर लिया, उसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई, मेरा काम आराम से हो गया। तो भजन करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तत्व को समझना है। वास्तविक काम क्या है कि उस वक्त नो बॉडी नो सेंसेस नो माइंड नो इंटेलिजेंस नो ईगो ओनली सोल। ऐसा कहते हैं कि जब आप भगवान के बारे में लिखते हैं या किसी के बारे में भी लिखते हैं तब आप उसका स्मरण करते हैं कि मुझे लिखना क्या है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू रिमेंबर समबडी। अगर मैं भगवान को स्मरण करना चाहता हूँ तो भगवान के बारे में लिखूँ। जब भगवान के बारे में लिखूँगा तो मुझे याद करना पड़ेगा कि मुझे लिखना क्या है, तो देन रिमेंबरेंस ऑफ लॉर्ड विल बी देयर, भगवान का स्मरण रहेगा। उसके बाद है अर्तिह जन संसिद्धि, कि सांसारिक कार्यों में मनुष्य समुदाय में आपको अनासक्त रहना है, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। आपकी इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ होनी चाहिए, भगवान की तरफ भी और भौतिक संसार के प्रति भी। अब हम लोग हैं भक्ति में लगे हैं तो पॉलिटिक्स से दूर हैं, हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उसमें किसी पॉलिटिकल मीटिंग में नहीं जाते, लोग इन्वाइट करते हैं हम नहीं जाते, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। हमारा इंटरेस्ट जो है भगवान में है, भगवान के लिए पढ़ रहे, घर चला रहे हैं, घर को चला रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, सारा कार्य कर रहे हैं, रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं, रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, शादी ब्याह सब जगह जा रहे हैं, परंतु भगवान को भूले नहीं हैं। भगवान को भी स्मरण रखना है और संसार को भी स्मरण रखना है। उसके बाद है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वा, मतलब कॉन्टिन्यूस डिलीबरेशन इन आत्मा। जो मैंने आपको बताया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, शरीर क्यों मिला है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, भगवान के साथ संबंध को कैसे निभाना है, मेरे को जब यहाँ से कहीं जाना है, मृत्यु के बाद कहीं जाना है तो कहाँ जाना है, कर्म क्या है, बंधन क्या है, कर्म फल क्या है, मैं बंधन में क्यों बंधा हूँ और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मुझे इन बातों का ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद शब्द आता है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, मतलब सत्य के ज्ञान के लिए दर्शन शास्त्र का ज्ञान। मतलब ये भगवान कहते हैं कि सब जगह मेरे दर्शन करो। भगवद गीता में चर्चा आती है 10वें अध्याय के अंदर, हमने पढ़ा है पीछे 10वें अध्याय के अंदर, मैं आपको जो उनके एग्जैक्ट शब्द हैं वो पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अर्जुन ने एक प्रश्न किया है, अर्जुन ने कहा है कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। मीन्स हाउ डू आई रिमेंबर यू ऑलवेज, मैं निरंतर चिंतन कैसे करूं, आपको कैसे जानूं। फिर अर्जुन ने उसके बाद प्रश्न को कंटिन्यू किया है, कहा हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें, आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, आई एम नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि जितना आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ये अर्जुन का प्रश्न है। अब भगवान क्या कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, माई अपुलेंसेज आर अनलिमिटेड, तुम जिस चीज़ को देखोगे उसमें मेरी उपस्थिति जानो, यू सी anything, यू थिंक दैट आई एम इन दैट, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ,
मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। फिर उसके बाद भगवान ने अपनी 82 विभूतियाँ बताई हैं। कुछ विभूतियाँ भगवान ने 7वें अध्याय में चर्चा करी थी, कुछ विभूतियों की चर्चा 9वें अध्याय में करी थी। अब इस अध्याय में कह रहे हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मर्त्यों में मारीची हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ, समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु हूँ, समस्त पुरोहित में मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, मैं समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, मैं मनुष्यों में ध्रुव हूँ, पानी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त जगह पवित्र नाम का कीर्तन जप, समस्त अक्षरों में हिमालय। वल्लभ भगवान ने अपनी 82 विभूतियाँ बताई हैं और ये कहा है कि आप जिस भी वस्तु को देखो उसमें मेरी उपस्थिति जानो तो तुम मेरा निरंतर चिंतन कर पाओगे। तो मुझे आध्यात्मिक जीवन में भी जीना है और मुझे भौतिक जीवन में भी जीना है। तो भगवान ने यहाँ पर जो है ज्ञान की बातें बता दी कि ज्ञान क्या है। अब प्रभुपाल लिखते हैं कि कृष्ण हमराम की विधि अत्यंत सरल है, वेरी इजी। पहला क्या बताया, कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपने जप किया, भगवान के नाम का स्मरण कर लिया। दूसरा, कृष्ण को अर्पित भोग को स्वीकार करना, और उनका भोग भगवान ने स्वीकार कर लिया है, आपने प्रसाद के रूप में उस उच्चिष्ट को खाना है। तीसरा, भगवद गीता और भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ना और सुनना। और चौथा, अर्च विग्रह की पूजा। तो चार हैं इसमें, अगर हम दिन में थोड़ा सा समय इसमें व्यतीत कर लेते हैं, थोड़ा समय लगा लेते हैं, तो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको निभाने में हम कुछ सफल हो जाते हैं। ये कार्य जो है प्रभुपाद ने हमें बताए और ये कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि सुख और दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं, मनुष्य को चाहिए इन्हें सहना सीखे। तो भगवान दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, मात्र स्पर्शात कौन तो है, शीत उष्ण सुख दुखदा, आगम अपायनी अनित्या, तांत तिक्षुवा भारत, कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षण भंगुर हैं। मतलब जैसे सुख है वो आता है और दुख है वो भी आता है, सुख चला जाता है दुख भी चला जाता है। तो हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन्हें सहन करना सीखे। मीन्स आपको अनुकूल परिस्थितियाँ भी आती हैं और प्रतिकूल भी, सिचुएशंस फेवरेबल भी आती हैं, सिचुएशंस अनफेवरेबल भी आती हैं। दोनों सिचुएशंस के अंदर आपको एक समान रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना है। यह सर्वोत्तम अनुभव ने जो मैंने चर्चा करी कि आपको उस हिसाब से रहना है जिससे कि आपके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए, किसी प्रकार का चेंज नहीं आए, आप न्यूट्रल रहें एकदम। आप जब न्यूट्रल रहेंगे तो आप जो है सही डायरेक्शन पे चलेंगे, सीधे रास्ते चलेंगे, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह जो है भगवान ने कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो अपनी इंद्रियों को पूर्णता वश में करके अन्य सामान करता है, चेतना को मुझमें स्थिर करता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो आपको एक इंटेलिजेंस को फिक्स करना है, आपकी बुद्धि जो है स्थिर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे भौतिक संसार में रहते हुए आध्यात्मिक संसार का अनुशीलन करना है और मुझे दोनों संसारों को चलाना है, परिवार भी चलाना है, घर बार भी चलाना है, जॉब भी चलाना है और भगवान की भक्ति में भी लगना है। दोनों कार्यों में मुझे तालमेल बनाना चाहिए। वो यहाँ भगवान ने जो है कहा कि मैं इसको ज्ञान घोषित करता हूँ, क्योंकि तो मेरे जो मैंने ज्ञान दिया है वो यही है कि बाकी सारी चीज़ें जो है वो अज्ञान है, और ये जो मैं 20 गुण बता रहा हूँ ये सब के सब ज्ञान हैं। इस बात को समझ लेना है, इन 20 गुणों के अंदर हमको अपने अंदर उतारने हैं, हमने उनका पालन करना है, उनके साथ में जोड़ के चलना है, उनके साथ जीवन बिताना है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। यस रोहिणी माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा,
तो मुझे इसमें एक चीज है, जैसे कि एक तो भगवान ने बोला है कि मुझ में मन कैसे लगाना है, उसका तो उन्होंने आंसर दे दिया, हर चीज में मुझे देखो, जान लो किस किस चीज में मैं हूँ, और उन सब चीजों का स्मरण करो, मतलब घर में रह के, परिवार में रह के, आप संभव आप भगवान को स्मरण कर पाएंगे। दूसरा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है, टॉलरेट करो। अब ये टॉलरेट करें कैसे, करना है पता है, करना है बहुत सारी चीजें, करना है हमें, सरल रहना है, और ये इसका इसका आंसर क्या है, कैसे? कोशिश तो हम करते हैं, पर ऑनेस्टली अभी हम उस लेवल पे है नहीं, मतलब अपनी ठीक है, रिएक्ट नहीं करते हैं, टॉलरेट करते हैं, पर मन मन में लगता है कि बहुत ही मुश्किल से टॉलरेट हो रहे हैं, हम कर तो रहे पर बड़ी मुश्किल से टॉलरेट हो रहे हैं, इसका आंसर क्या है, इसमें इसका आंसर क्या भगवद गीता में है, टॉलरेट कैसे करना है इसका, जैसे कि मन लगाने का है। हाँ देखिए, दो प्रश्न आपने किए हैं, जी एक भगवान के अंदर पूरा मन कैसे लगे और दूसरा मैं टॉयलेट कैसे करूं। ठीक है, मन लगाने की बात पहले करते हैं कि भगवान में मन कैसे लगेगा। एक माता का अपने बच्चे में मन कैसे लगता है, संतान है ना उसकी, उसमें मन कैसे लगता है, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसको ये रियलाइजेशन हो गई है कि दिस इज माई चाइल्ड, उसको ये रियलाइजेशन है कि मेरी बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, तो हर वक्त मन उसमें रहता है। आपने 6 महीने के बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को अपने गोदी से उतारा और चारपाई पे बिठा दिया या बेड पे बिठा दिया, और आपने किचन के काम करने हैं, आपने घर की सफाई भी मेंटेन करनी है, आपने मेड से भी काम करवाना है, जिनके पास मेड नहीं है उन्हें खुद काम करना है, उन्हें कपड़े भी धोने हैं, उन्हें खाना भी बनाना है, उन्हें डस्टिंग भी करनी है, उन्हें कपड़े इस्त्री भी करने हैं, उन्हें घर के सारे कार्य करने हैं, पर हर कार्य करते हुए मन बच्चे में रहता है, बच्चा गिर नहीं जाए, बच्चा चोट नहीं खा जाए, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जाए, बच्चे के साथ कोई समस्या ना आ जाए, तो बच्चा रोना, जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ आती है सारे कार्य छोड़ के आप बच्चे की तरफ भागते हो, क्योंकि तो मन आपका बच्चे में है। दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ, आप बच्चा 3 साल का हो गया, बच्चा बच्चों के साथ खेलना चाहता है, 4 बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपका बच्चा भी बाहर खेलने चला गया, आप घर के काम कर रही हैं या कथा सुन रही हैं या कीर्तन कर रही हैं या घर के काम कर रही हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ चल रही हैं घर की, अब वो घर के कार्य करते हुए बच्चे में आपका ध्यान रहता है कि बच्चे को बाहर दूसरे बच्चे मार ना दें, बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, सड़क पे नहीं चला जाए, पार्क में निकल गया तो कहीं झूले पे गिर नीचे ना गिर जाए, आपका ध्यान बच्चे में रहता है। और किसके बच्चे में रहता है, अपने बच्चे में रहता है, दूसरों के बच्चे में नहीं रहता। इसका मतलब यह है, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष एक ही है कि यू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, कि इट इज़ माई चाइल्ड, ये मेरा बच्चा है, और उसके अंदर आपका मन जो है हमेशा तैयार रहता है, आपका मन उसके अंदर रहता है, इट इज़ माई चाइल्ड, तो आप उसके लिए केयरिंग रहते हो, उसका ध्यान रखते हो, उसका ख्याल रखते हो। जब आप बच्चे के साथ अपना संबंध समझते हो कि इट इज़ माई चाइल्ड, तब आप उस कार्य को करते हैं। भगवान कहते हैं मन मना भवमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी मतलब आपने ये समझ लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के साथ मेरा एक संबंध है, उस संबंध को जब आप समझ लेंगे, यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद हिम, जब आपने वो रिलेशनशिप समझ लिया है, तो क्या होगा कि आपका मन भगवान से हटेगा नहीं, आपका मन हमेशा भगवान में लगा रहेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हो मन में भगवान रहेंगे, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो भगवान में ध्यान रहेगा, आपका भगवान में ध्यान रहेगा। ये नहीं कि आपने सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं, आपने एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ी हैं, आप स्मरण करते हो। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे बाएं हाथ में भी जब मैं पेशेंट की तरफ बाएं हाथ को डर लेता हूँ, इधर बैठ के मरीज देखता हूँ सामने भगवान की फ़ोटो लगी, ऐसे बैठ के देखता हूँ सामने भगवान की फ़ोटो लगी, तो मेरे मन में भगवान उस वक्त समाये रहते हैं, मरीज़ को देखता रहता हूँ, उसकी हिस्ट्री पूछता हूँ, उसकी सोशल हिस्ट्री पूछता हूँ, पर्सनल हिस्ट्री पूछता हूँ, सिम्टम्स पूछता हूँ, सारे कार्य करता हूँ, उसके बाद उसे एग्जामिन करता हूँ, फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, पर सामने मेरे मन में भगवान बसे रहते हैं। यस, जो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए कार्य करता हूँ, मीन्स मैंने एक प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया है
ये थोड़ा है कि मैंने भगवान की फोटो लगा दी तो मरीज नहीं देखूंगा, मरीज की हिस्ट्री नहीं पूछूंगा, मरीज का हाल पूछूंगा नहीं, तेरी सोशल हिस्ट्री क्या है, पर्सनल हिस्ट्री क्या है, सब पूछूंगा, मरीज को एग्जामिन करूंगा, परंतु मेरे सामने भगवान विराजमान है, सामने दो फोटो लगी राधिका रमन जी की, भाई में लगी राधा श्याम सुंदर जी की, तो उस जहाँ भी मेरा ध्यान जाता है भगवान की तरफ जाता है। यू हैव टू अडॉप्ट द प्रोसेस कि मन से आपके भगवान का स्मरण रहे हर वक्त। अब दूसरी बात हुई कि विचलित हुए बिना सहने का अभ्यास करें। विचलित आदमी कम होता है, विचलित होता है तब, जैसे बताया, या तो सुख की प्राप्ति हो गई, हाँ आनंद आ गया, विचलित हो गया, भूल गया सब कुछ, भगवान को भूल गए, या दुख की प्राप्ति हो गई तब भगवान को भूल गए। हम लोग क्या कहते हैं, जब सुख की प्राप्ति होती है तो मेरी वजह से हुआ, आई एम दी मास्टर, मैंने मेहनत करी सुख मिला, दुख प्राप्ति हुई तो मैंने नहीं करी तो भगवान ने दे दिया। हमने जब ये पढ़ा है कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल है तो भूमात संगस्तु अकर्मणि, कि मैंने ये समझ लिया कि भगवान कहते हैं तेरा कर्म करने का अधिकार है, बिकॉज आई हैव गिवन यू इंडिपेंडेंस ऑफ विल, मैंने तुझे स्वतंत्र इच्छा का अधिकार दिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ विल है, तो तू जैसा कार्य चाहे वैसा कर सकता है, चॉइस तेरी है, चॉइस लाइज विद यू, पर उसका फल देने का अधिकार मेरा है, फल मैं दूंगा। अब हम ये लेके चलते हैं कि हमारे कुछ कर्मों के फल हैं जो हमें अच्छे फल मिल रहे हैं, कुछ कर्मों के फल हैं जो बुरा समय लेके आ रहे हैं। अगर वो हमारे कर्मों के फल हैं जो बुरा समय आ रहा है, तब भी विचलित नहीं होना, या बुरा समय आया मैंने कर्म किए होंगे आगे ना करूँ ऐसे, आगे डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी है कि जो आप कर्म करते हैं उनके फलस्वरूप जो आपका फल मिलना है वो डेस्टिनी है, और जो कर्म फल भोगे हैं वो डेस्टिनी आज हमें मिल रही है, तो डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं, डेस्टिनी को भोग रहे हैं। तो मेरे को अगर आज दुख मिलता है, दुख का कष्ट होता है, तो मैं उसे विचलित नहीं होता यार, मेरी अब मैं आपको बताता हूँ, आई विल बी सरप्राइज, आपको आपने देखा भी होगा, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे पता लगा कि मेरे को सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूल जाता है, हम 72 ईयर्स ऑफ एज, मेरे कलीग्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, डॉक्टर निखिल कौशिक हैं, डॉक्टर सतीश हैं, डॉक्टर टीके वर्मा हैं, दे नो ऑल ऑफ सेम एज, साल दो साल मेरे से बड़े होंगे या मेरे बराबर होंगे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि भैया मेरे कार्डियक प्रॉब्लम है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, मेरे को सांस फूल जाता है, मेरे को ऊपर जाके थोड़ा सा रोनेस आ जाती है चेस्ट में, मुझे 2-3 मिनट आराम करना पड़ता है, आराम करने के बाद मुझे रिलीफ मिल जाता है। आई वेंट फॉर इन्वेस्टिगेशंस, उन्होंने बताया कि आपको जो है एओर्टिक स्टेनोसिस भी है और मॉडरेट टू सीवियर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, करेंगे काम। मैं उसके लिए विचलित होकर बैठ नहीं गया, मैं रेगुलरली लेक्चर्स कर रहा हूँ। 12 तारीख को मेरी स्टंटिंग हुई है, मैंने 11 तारीख को भी 3 लेक्चर दिए हैं ऑनलाइन, मैंने 10 तारीख को भी 3 लेक्चर ऑन दिए। मैं तो उदास होकर बैठ जाता, हाय हाय, अरे मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, ओए होए मैं तो मर गया, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मैसेज पास कर दिया, फ्रेंड्स को मैसेज पास किया दे प्रे फॉर मी, डिवोटीज को मैसेज पास किया दे प्रे फॉर मी, मेरे आपको किसी भी लेक्चर के अंदर उदासी नहीं मिली होगी। और आज भी मेरा एक स्टंट डल गया है, 12 तारीख को डला, आज 31 तारीख हुई, 18 दिन हुए हैं, एंड प्लस मेरा अभी ऑटिक स्टोसिस का ट्रीटमेंट ड्यू है, मैं फिर भी लेक्चर्स का रोज़ लेक्चर कर रहा हूँ, कभी 2 कर रहा हूँ, कभी 1 कर रहा हूँ, कभी 3 कर रहा हूँ, प्लस अपने पेशेंट्स भी देख रहा हूँ, घर भी चला रहा हूँ। तो विचलित नहीं होना है, ये आपको कब होगा, ग्रेजुअली, जब आप भगवद्गीता पढ़ोगे, भगवद्गीता सुनोगे, भगवद्गीता समझोगे, जब आप अपने कर्म मीमांसा जिस दिन समझ में आ गई, शास्त्र का एक बहुत बड़ा अंग है कर्म मीमांसा, मीन्स फिलॉसफी ऑफ कर्मा, कर्मा फिलॉसफी, जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आपके अंदर से विचलित होने की प्रथा छूट जाएगी, फिर विचलित नहीं होंगे आप, फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि नाउ यू रियलाइज इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ एट द मोमेंट, तब दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, इन ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम यू विल लर्न द थिंग्स, मन को पक्का करना पड़ेगा, यस भाई मेरे कर्मों का फल है, मुझे भोगना, मुझे चिंता क्या है, व्हाई शुड आई बदर अबाउट इट। और किसी का प्रश्न हो कोई? यस दिलीप माथुर जी बोलिए। एनीवन एल्स? नेहा माता जी पानीपत से कोई प्रश्न है आपका?
रचना माता जी को सवाल, आदरणीय माता जी को सवाल, डॉक्टर विक्रम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, सवाल तो भाई डेली रूटीन का ही है, जैसे अभी माता जी ने बोला कि चीजों को कैसे टॉलरेट करें। चलो हम भी नम्र रह के टॉलरेट कर भी देते हैं, पर कई बार कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं कि जिनके द्वारा हमारे साथ कुछ गलत किया गया वो दिल में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। मुझे पता है आपने बोला था कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें खुश होना चाहिए, वो हमारे पूरे कर्म फलों को काट रहा है। लेकिन कई बार हम कई लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं, कितना भी चाह ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पर नहीं हो पाता है। कुछ लोगों को हम कभी माफ नहीं कर पाते हैं। देखिए तो करें, मैं आपको एक, मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल भी दिया था, ये आज से कोई 6 महीना पुरानी बात है। मैं ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में लेक्चर दे रहा था, लेक्चर दे रहा था, तो एक माता जी आई मेरे पास, रोने लगी बैठ के, लेक्चर के बाद की बात है। कहने लगी मैं बड़ी सुखी हूँ, मेरा पति बड़ा अच्छा है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, पर मेरे को दुख बहुत है। मतलब सुखी भी हो दुख भी हो, क्या हो गया भाई, क्या परेशानी। कहती मेरे घर में मेरी देवरानी है, मुझे जीने नहीं देती, कंबाइंड फैमिली है, मुझे रुलाती रहती है, ताने कसती रहती है, डायलॉगबाजी करती, ये करती वो करती, दुनिया भर की प्रॉब्लम। मैं इतनी विचलित हो जाती हूँ, मेरा दिल करता है मैं आत्महत्या करूँ, मर जाऊँ जाकर। तो मैंने उसे एक ही बात बताई, मैंने कहा तुम्हारे अच्छे कर्म हैं जो तुमने किए हुए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें जो है अच्छा पति मिला है, अच्छे बच्चे मिले, और तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं उसको कौन भोगेगा, वो भुगतवाने के लिए कौन आएगा, कोई तो भुगतवाएगा तुम्हें, कि अपने आप कैसे भोग लोगी। तो उस भुगतवाने के लिए तुम्हारी देवरानी तुम्हारे घर में आ गई है, वो तुम्हारे को टोंटिंग करती है, डायलॉगबाजी करती है, कमेंट्स मारती है, तुम्हें तंग करती है, तो उसको धन्यवाद करो, भैया तू मेरे कर्म फल भुगतवा रही है, वेरी गुड वेरी नाइस। उसको उसको रेसिप्रोकेट मत करो, उसे जवाब मत दो, यू डोंट आंसर हर। 3 महीने के बाद आई, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं क्या जी मैंने आपकी बात मान ली है, अब मैं बड़ी खुश हूँ, अब मैं रेसिप्रोकेट नहीं करती है, वो नॉर्मल होती जा रही है, कर्म फल भुगत गए। ये आपको अपने मन के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। मैं अशोक विहार में लेक्चर दे रहा था, आज से 15 साल पुरानी बात है, एक घर की जो स्वामिनी है उसने सवाल किया कि आप कहते हो भगवद गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, अरे सास बहू के झगड़े का उत्तर है कहीं, आप बताइए, हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। बोले कहीं तो सास लिखी नहीं, तो कहीं बहू लिखी नहीं। मैंने कहा नहीं लिखी है तो इनडायरेक्ट है। बोले कैसे है, मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, गांव के अंदर रहते हैं, और आपस में उनकी दुश्मनी हो गई। अब दुश्मनी होने के बाद जो थोड़ा स्ट्रेंथ था, जो पावरफुल था, उसने कहा मैं इस आदमी को आज मार दूंगा, और वो मारने के लिए मशाल लेके, मिट्टी का तेल लेके झोपड़ी जलाने के लिए गया। झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि बाहर एक शूज़ रखे हुए हैं, वो उसके मित्र के हैं। अरे ये इसका भी मित्र है, ये मेरा भी मित्र है, अगर मैं झोंपड़ी जलाऊंगा तो मेरे मित्र को भी कष्ट पहुँचेगा, तो मैं झोंपड़ी को नहीं जलाऊँ, वो वापस आ जाता है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूँ, सुहृद सर्वभूतानाम, मैं प्रत्येक प्राणी का सुहृद हूँ, उसका मित्र हूँ, हितैषी मित्र हूँ। अब वो भगवान जो मित्र हैं, अगर वो आपकी बहू के हृदय में हैं और आप अपने अपनी बहू को कमेंट कर रही हो, बहू के ऊपर डायलॉगबाजी कर रही हो, ताने कस रही हो, उसको डांट रही हो, डबट रही हो, इसका मतलब है आप उसके हृदय में बैठे भगवान को भी कष्ट पहुंचा रही है। और अगर बहू आपको रेसिप्रोकेट करती है, आपको कष्ट करती है, आपको तकलीफ देती है, आपके प्रति अपराध करती है, तो आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं उसके प्रति भी अपराध कर रही है। तो जिस दिन ये फील आ जाएगा कि भगवान मेरे हृदय में भी बैठे हैं और भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, उस दिन आप कमेंट करना बंद कर दोगे, आप सोचना बंद कर दोगे उल्टा सीधा उसके बारे में, तो आपकी मित्रता हो जाएगी, आप जो अच्छे अच्छा भाव बन जाएगा एक दूसरे के प्रति, झगड़ा खत्म हो जाएगा। सिर्फ फील करना है कि कृष्णा इज प्रेजेंट, भगवान आपके प्रत्येक प्राणी के हृदय, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, भगवान कहते हैं हर जगह, 18वें अध्याय में कहते हैं, 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूँ, 11वें अध्याय में कहते हैं मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूँ। जब भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में हैं तो हमें भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी के प्रति अपराध करेंगे ही नहीं, हम क्यों बोलेंगे। तो इसीलिए आप जो है विचलित नहीं होंगे, आप जो है जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हैं वो आपको उसको मिलेंगी, अनायास मिलेंगी, आपको भगवान से प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या है, जो भाग्य में है वही तो मिलना है। अगर मेरे भाग्य के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं है
तो मैं कहूँ मेरी छत पे भगवान हेलीकॉप्टर भेज दो, भगवान दे थोड़ा देंगे मेरे को, मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में है, तो अनायास मिलेगा, उसको मांगने की जरूरत नहीं है, वो मिलना ही है, नेचुरल है। पिता ने पुत्र को पढ़ाना है वो नेचुरली पढ़ाना है, उस पर पैसा खर्च करना है, पुत्र को मांगने की आवश्यकता नहीं है कि पिताजी मेरी पढ़ाई की फीस दे दो, उसको ऑटोमेटिकली देनी है, बिकॉज वो उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसका पार्ट एंड पार्सल है, उसके लिए उसने कार्य करना। इसलिए हम लोग जो है बिल्कुल इस मामले में निश्चिंत होकर चलें कि भगवान के साथ हमारा संबंध है, उसको समझें और संबंध को कैसे निभाना है उसको जानें। डॉक्टर विक्रम, यू वांट टू आस्क समथिंग? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु प्रभु जी, मैं तो वैसे सर्जन हूँ और मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 30-35 साल प्राइवेट प्रैक्टिस करी और ये नहीं देखा कोई गरीब है अमीर है, सबकी सेवा करी, दिल से सेवा करी। हम लोग तब छोटे थे, मेरा तो जीवन हॉस्पिटल में ही निकला, तो मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी के भी कभी किसी को दुख नहीं दिया, फ्री में इलाज के सब कुछ किया। अभी अनफॉर्चुनेटली उनकी स्पाइन की सर्जरी हुई थी बदामता में, शी अंडरवेंट मल्टीपल सर्जरी, तो लास्ट सर्जरी वॉज इन सेप्टेम्बर, उसके बाद शी बेड रिडन एंड शी इज एडमिटेड इन माई हॉस्पिटल, सो आई कैन नॉट सी हर इन पेन, मतलब शी इज सीरियस, बट भोगना तो उनको है, उनके कर्मों का फल है। हम हेल्पर हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, परंतु भोगना उन्हें है। धृतराष्ट्र ने एक सवाल किया, उसने कहा कि मेरे 100 पुत्रों की हत्या मेरे सामने हो गई, मारे गए, उनका वध हो गया, मेरा क्या पाप कर्म किया था, मेरा क्या दोष था, मैंने क्या किया था? तो उसको उत्तर मिलता है कि आज से 50 जन्म पूर्व तुमने एक पक्षी के 100 पुत्रों का वध किया था, वो इस जन्म में तुमको 100 पुत्र हुए हैं तो उनका वध हुआ। उसने कहा 50 जन्म क्यों, अगले जन्म में क्यों नहीं हो गया, उसी जन्म में क्यों नहीं हो गया? तो उसको उत्तर मिला कि पुत्र की प्राप्ति बड़े पुण्य कर्मों से होती है, वो पुण्य कर्म जमा करने में, संचित करने में तुम्हें 50 जन्म लगे हैं, और 50 जन्मों के बाद इस जन्म के अंदर तुम्हारे 100 पुत्र हुए हैं, उनका वध हुआ। तो वी एग्री, कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, सब कुछ है, बट वन हैज़ टू टॉलरेट। टॉलरेशन के सिवाय अब डॉक्टर जो है अल्टीमेटली क्या कहते हैं, आई एम ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, अदर डॉक्टर्स ऑल्सो सिटिंग हियर, तो क्या कहते हैं भाई, नाउ द थिंग्स आर आउट ऑफ अवर हैंड्स, हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया, द बेस्ट पॉसिबल वी हैव डन, नो रेस्ट इज अप टू गॉड, बाकी जो वो कर रहा है, जो अटैचमेंट है बिल्कुल है, अटैचमेंट है उसको छोड़ नहीं सकते, पूरी लाइफ फ्लैशबैक में चली गई 1 सेकंड के अंदर, वो अटैचमेंट हम भूल नहीं सकते, वो अटैचमेंट को हम छोड़ नहीं सकते, दैट अटैचमेंट हैज़ टू बी देयर, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसको रखना है, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज़ योर मदर, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल, आपको उनके साथ अटैचमेंट रखनी है, सेवा करनी है, आफ्टर उनके हृदय में भगवान बैठे हैं भाई, उनकी सेवा क्यों नहीं करोगे आप, बिल्कुल करोगे, यू आर अटैच टू हर, सेंटीमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, रोना भी आएगा, आंसू भी बहेंगे, सब कुछ होगा, पर सब कुछ होते हुए भी मेरे को भगवान से प्रार्थना करनी है कि इनको सुख और शांति प्रदान करें, इनको सुख और शांति प्रदान करें, यही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आपके जो मित्र हैं वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगवान से, प्रेयर्स कर सकते हैं, प्रेयर्स ही कर सकते हैं, आपके डिवोटी फ्रेंड्स हैं वो भी प्रेयर्स कर सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, हॉस्पिटल फ्रेंड्स हैं, डॉक्टरी फ्रेंड्स हैं, वो भी प्रेयर्स कर सकते हैं, प्रेयर्स के अलावा हमारे पास और है क्या? बाकी हम मेडिकल केयर दे सकते हैं, हॉस्पिटल केयर दे सकते हैं, नर्सिंग केयर दे सकते हैं, हम उनको जो फैमिली केयर दे सकते हैं, सोशल केयर दे सकते हैं, मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उससे पीछे नहीं हटना है, वो तो करना ही करना है, दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें क्लेम जोड़ सकता हूँ? बोलो बोलो अवश्य, श्योर। जो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था प्रभु जी, मैंने भी आप जैसे ज्ञानी से ये बात कहा था, तो उन्होंने मेरे को कितना अच्छा जवाब दिया था, उन्होंने क्या कहा था, मैंने यही कहा था कि जो अच्छे आदमी है वो ज्यादा, जो अच्छे कर्म करता है वो ज्यादा परेशान होता है सृष्टि के अंदर, देखने अक्सर देखने में आया है, और जो गंदे आदमी होते हैं वो बड़े
खुलते खुलते हैं, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने मेरे को ये बताया, जो अच्छा इंसान होता है, जो आपने बताया, ये कर्मों का ही खेल है, लेकिन क्या होता है कि उस परमात्मा को एक जन्म के अंदर, इस जन्म के अंदर उसके सारे पाप या पुण्य जो खत्म करने हैं, और जब उसके बाद अपने पास एंट्री लेनी है, तो जितने उसके आगे कर्मों के जो उसने काटने हैं ना, और वो क्या करते हैं, वो इसी कर्म के अंदर उसको धीरे धीरे करके सभी चीजों को खत्म कराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें अक्सर वो आदमी दुखी लगता है, क्योंकि उसके कई जन्मों का हिसाब किताब है, उनको इसी जन्म में कराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो कष्टों से ज्यादा दिखाई देते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो है दो शब्द हैं, एक है दया और एक है कृपा, इन दोनों का भेद बताता हूँ। हम लोग दया और कृपा को सेम मीनिंग में यूज़ करते हैं, सेम जगह पे यूज़ करते हैं, दया भी वही इस्तेमाल करते हैं, कृपा भी वही इस्तेमाल करते हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस। आप किसी गरीब आदमी को देखते हो, वो असमर्थ है, हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, पैरालाइज्ड है, ये है वो है, गरीब आदमी है, धन नहीं है, कोई पैसा नहीं है उसके पास, आपको उस पर दया आ जाती है। पहले करुणा जागृत होती है, कंपैशन होता है, फिर आपको दया आ जाती है। आप उसको सामान दे देते हो, खाना दे देते हो, कपड़े दे देते हो, कंबल दे देते हो, सामान दे देते हो, मतलब आपने उस पर दया करी। दया करी मतलब वो सुखपूर्वक रह सके इसी संसार में। भगवान जब आप पे दया करते हैं तो आपको इस संसार में सुखपूर्वक रहने की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। यस, आपको परिस्थितियाँ अनुकूल कर देते हैं कि सो दैट आप इस संसार में आनंद से रह सको, भौतिक संसार का आनंद ले सको। अब भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी पे कृपा करता हूँ, कृपा करके मैं उसका जो है हौले हौले उसको रियलाइज़ कराता हूँ दुख दे के, कि अब तेरे को मेरे धाम वापस आना है, मेरा स्मरण करना है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए, जो दुख में सब स्मरण करते हैं। तो भगवान का स्मरण करना है, उसके लिए भगवान आपको दुख देते हैं। भगवान का आपको दुख देना भगवान की कृपा है आप पे, कि आपको अपने धाम ले जाना चाहते हैं। अब दुख मिलेगा तो स्मरण करेंगे, स्मरण करेंगे तो भगवान आएंगे। कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अंदर ये कहती हैं, हे भगवान मैं चाहती हूँ, हे कृष्ण मैं चाहती हूँ, आप मुझे दुख दें बारंबार, मुझ में विपदाएं बार बार आएं, क्योंकि जब विपदाएं आती हैं तो आपका स्मरण होता है, जब आपका स्मरण होता है तो आप आते हैं। जब आप पे विपदाएं आती हैं, आप पे दुख आते हैं, आप पे परेशानियां आती हैं, तो भगवान का स्मरण होता है, जब भगवान का स्मरण होता है तो भगवान आते हैं, मतलब आपको अपने धाम लेके जाते हैं, आपके भगवान धाम में जाने का, मुक्ति प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता खुल जाता है। यू गेट दैट चांस, ये एक एडवांटेज मिल जाती है। इस बात को समझना आवश्यक है। और बताइए जी, बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक आपका प्रवचन रहा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, और आशा है आगामी समय में और प्रवचन में ऐसे आगे सकूंगा। फिर से बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू निखिल, थैंक यू। ये डॉक्टर निखिल कौशिक हैं, ये मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे बैचमेट हैं, मेरे मित्र हैं, और आज ये इंग्लैंड से, इंग्लैंड में है ये सेटल, इंग्लैंड से इस क्लास में क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सुना। अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, और लोगों का भी जो आपके साथ इस संध्या में जुड़े रहे, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधु। थैंक यू निखिल प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर विक्रम, आप कहाँ पर हैं?